अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कॉलीफ्लावर मंचूरियन या गोभी मंचूरियन। ये बहुत अच्छी वेजिटेरियन रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने एक गोभी ली है जिसको मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। ये हाफ कप मैदा है, उसमें मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट इसको डाल के मिक्स कर लिया। और इसको मैं पानी के साथ मिक्स करके एक गाढ़ा सा बैटर बना लूँगी। ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, इसे मैंने पानी में घोल लिया। ये 1 मीडियम साइज ऑनियन है जिसे मैंने चॉप कर लिया। ये 1/2 कप टोमेटो केचप है। और ये बैकयार्ड की मेरी ग्रीन ऑनियन और ग्रीन चिली है। ये 1 टेबल स्पून हॉट सॉस है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून जो है मिंस ऑफ गार्लिक, ये 1/2 टीस्पून सिसमे सीड यानी तिल है, ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, ये 1 टीस्पून लेवल सॉल्ट है। तो ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अब मैं मैदे में पानी डाल के एक थिक बैटर बना रही हूँ। इसी में हम गोभी को डाल के फ्राई करेंगे। ग्रीन ऑनियन और 1 ग्रीन चिली इसको मैं चॉप कर लूँगी। ये रेड चिली मैं सिर्फ कलर के लिए डाली हूँ। उबलते हुए पानी में मैं गोभी को डाल के इतना पकाऊंगी कि वो गल जाए और उसे ठंडा कर लूँगी। और इसको गर्म तेल में मैदे में डिप करके फ्राई कर लेंगे। बस इसको लाइट गोल्डन करना है। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी। अब एक पैन में हम 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, उसमें गार्लिक को डाल के सॉटे करेंगे, उसी में ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे। जब गार्लिक का कलर चेंज होगा तो मैं इसमें ऑनियन डाल के सॉटे करूँगी। अब उसमें मैं केचप डाल ली, सोया सॉस, हॉट सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स करूंगी। और थोड़ा सा पानी डाला है मैंने 3-4 टेबल स्पून और इसको थोड़ा पकाया मैंने। बस इसमें 1 से 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और गोभी को डाल के सिर्फ हम इसे मिक्स करेंगे और गर्म सर्व करेंगे, वरना गोभी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं इसमें सिर्फ ग्रीन ऑनियन डाल ली हूँ आखिर में और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। और ऊपर से मैं जो तिल है सिसमे सीड उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग भी इसे बनाएं, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। ये बहुत अच्छी वेजिटेरियन रेसिपी है जो बहुत जल्दी बन जाती है। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।